उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा सुर्खियों में रहती है और अपने कारनामे से वो चर्चा में बनी रहती है, लेकिन आज एक उत्तर प्रदेश की उस पुलिस की फोटो दिखाएंगे जो इसने मानवता की मिसाल को पेश किया है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। यूपी पुलिस के तमाम किस्से आए दिन ऐसे सामने आते हैं जिससे पुलिस विभाग की किरकिरी होती रहती है, यानी कि खाकी की साख पर बट्टा लगता रहता है। लेकिन इन सबके बीच सीतापुर की पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। सीतापुर की पुलिस ने बीमार बच्ची को अस्पताल पहुंचाकर मित्र पुलिस के नारे को साकार किया है। आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल प्रतिदिन की तरह 13/14 सितंबर की रात को थाना पिसामा पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची। यह पेट्रोल पंप पिसावा गोपामऊ मार्ग पर वृहद ग्राम तेंदुआ के पास सुनसान जगह पर संचालित है। पुलिस टीम को पेट्रोल पंप के निकट एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। पुलिस टीम को जब लगा कि मामला कुछ संदिग्ध है तो टीम ने आसपास छानबीन की। टीम को कुछ दूर एक महिला 9 माह की बच्ची के साथ व 2 पुरुष दिखाई दिए। इस पर गश्त कर रहे एसओ थाना पिसावा राजीव सिंह, आरक्षी अंकित कुमार मौर्य, जितेंद्र कुमार और मुख्य आरक्षी राजित राम के साथ उन लोगों के पास पहुंचे। नज़दीक पहुंचने पर पता चला कि वह लोग थाना पिसावा क्षेत्र के मनिकापुर निवासी हैं। गांव के जोगिंदर की पत्नी की गोद में जो 9 माह की बच्ची है उसे डायरिया और बुखार है। चूंकि वह लोग मोटरसाइकिल से इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे, लेकिन बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। वह लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचे थे, लेकिन पेट्रोल पंप बंद था। यह जानकारी होने पर थाना पिसावा के प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह तत्काल बीमार बच्ची व परिजनों को अपने वाहन से थाना मोहली क्षेत्र के अस्पताल ले गए और समुचित उपचार के लिए भर्ती कराया। पुलिस टीम द्वारा प्रस्तुत की गई इस मानवता की मिसाल पर जहाँ परिजनों ने आभार व्यक्त किया, वहीं क्षेत्र में पुलिस के इस नेक कार्य की सर्वत्र सराहना हो रही है। आपके लिए खबर लिखी थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद मिश्रा ने और कैमरे के पीछे हैं सिद्धांत पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।